फसलों का भी रखा गया है, तो हमारे कुछ इंजीनियर्स वहाँ पर परमानेंटली रहते, क्या किया जाए। अब वो अगर मान लेते तो ये सब पूरा का पूरा जो समझ लीजिए तो सर कई राज्यपाल बदल गए, सर बिहार के भी राज्यपाल बदल गए, नए राज्यपाल आ गए। हाँ बदल गए, तभी तो हमको परसों ही सूचना दी थी गृह मंत्री जी ने, ठीक है भाई कि नहीं कुछ बनाइएगा, नहीं तो जा रहे हैं। तब फिर इनसे बात हुई थी, जा रहे हैं बेचारे का 3.5 साल ही हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, आज औरंगाबाद जिला पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने जिले के तमाम जितने अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के साथ बैठकर समीक्षा बैठक की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार ने तमाम चल रही सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया है। और आपको बता दें नीतीश कुमार आज रोहतास भी पहुंचे थे, उसके बाद अब औरंगाबाद जिला पहुंचे हैं, साथ में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं। उन सभी की मौजूदगी में नीतीश कुमार अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, जिले के DM भी मौजूद हैं और चल रही सरकारी योजनाओं का निरीक्षण तो किया ही है। साथ ही साथ आपको बता दें बिहार को नए राज्यपाल मिल चुके हैं, महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब बिहार के नए राज्यपाल होंगे। फागू चौहान जो कि बिहार के राज्यपाल थे, उन्हें मेघालय भेज दिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को दी है, नीतीश कुमार से बातें हुई हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार को अब नए राज्यपाल मिले हैं, इस पर जरा सुनिए। दिख रहा है, सब जगह देखे, बहुत अच्छा है, और सब लोगों का समस्या भी सुने हैं और सब पर भी विचार विमर्श हुआ है। अब पहले तो आते ही न रहे, लास्ट ईयर में तो हम तो एक दिन मीटिंग में आए ही थे, उसका फिर कोरोना बड़ी जोर से पिछले बार भी हुआ, तो फिर आने का मौका मिला था तो बात कर ही लिए। कहीं भी कोई दिक्कत है सब चीज हम लोगों ने सुन लिया पूरे डिटेल्स, और एक एक चीज सारे डिपार्टमेंट को कहा गया है और सब देखेंगे। कहीं पर भी किसी तरह से, चाहे सड़क के बारे में हो या और किसी भी समस्या के बारे में कोई भी हो, कहीं ब्रिज के बारे में बात हो, कहीं और भी किसी तरह की समस्या हो, तो सब के बारे में लोग बताएं। सर, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है सर कि कोसी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए, बिहार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? बाहर से तो बिहार को तबाही होता था, भारत सरकार नेपाल सरकार सहयोग करेगी तब ना, बिहार तो रेडी है, बिहार तो कब से चाह रहा है। आप लोगों को मान लीजिए यहाँ पर जो बात है कहा गलत, बहुत अच्छी बात है ना, ये आप लोगों को पता होगा शायद, या नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि यहाँ पर जो भी आता है सब नेपाल से, सभी नदियाँ आती हैं और सब ज़्यादा इफेक्टेड होता है बिहार, सबसे ज़्यादा थोड़ा सा यूपी का एक हिस्सा भी होता है लेकिन सब ज़्यादा यहाँ, और हम लोगों का संबंध भी उन लोगों से नेपाल से बहुत ये रहा। तो ये सब सारे पार्टी के लोग बैठ करके मीटिंग किए, जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री, हम भी उनके मंत्री थे, सब उनके साथ गए बातचीत करके, फिर उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पर के लिए होना चाहिए, और उन्होंने वहाँ के लिए तय किया। और जब भी उनके अधिकारी आए हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि होने दीजिए, जब हो ही नहीं रहा काफ़ी पहले से शुरू से ही किया गया, और जब हमको बीच में एक बार जाने का मौका मिला तो हम सब जगह जितने लोग हैं सब लोगों को कहे, यहाँ जब भी आते थे लोग उनके, अरे आजकल तो 3 साल से तो कहीं कोई जाता आता नहीं है, लेकिन उसके पहले तो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि भाई यहाँ पर जो आता है तो इसको आप वहाँ कंटिन्यू करिएगा, आपको ही फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और उसके लिए तो मैंने कि भारत सरकार देने को तैयार थी, और है ही कि सब हम लोग करेंगे और उसका फायदा हो जाएगा सबको, तो कुछ ही कुछ थोड़ा बहुत वो किए हैं, लेकिन जितना भी बिहार को प्रभावित करने वाला वो नहीं हुआ। इसीलिए तो ठीक ही कहा है ना, तब जो काम है वो तो आज से नहीं, हम आपको बता रहे हैं 2000 के समय से ही, उसी समय से ही मीटिंग हो करके श्रद्धेय अटल जी ने ही ये सब करवाया, अब उसका हम लोग लगे रहे अब तक, तब तक अभी तक नहीं नेपाल से हुआ। तो जितना जल्दी करेगा, कुछ कुछ उनका किया गया है, मैंने अपने देश ने किया है और हम लोगों का भी रखा गया है, तो हमारे कुछ इंजीनियर्स वहाँ पर परमानेंटली रहते ये सब चीज़ देखने के लिए, वीरपुर से ऊपर नेपाल में हमारा, क्या किया जाए। अब अगर मान लेते तो ये सब पूरा का पूरा जो समझ लीजिए पूरा नॉर्थ बिहार अफेक्टेड होता है हमारा, वो बहुत कम अफेक्टेड होता और ठीक ठाक रहता, तो हम लोग तो करना पड़ता। अब तो हम लोग ये कह दिए कि भाई अब नहीं कर रहे तो हम लोग अपना
इस ढंग से कुछ करेंगे तो हम लोग अपने ही तरफ से कुछ करने के, अपने यहाँ पर आने के बाद उसको कैसे करें, आगे पहुँचा दें और किस तरह से कुछ चीज़ों को जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उसको जोड़ देंगे तो सब दिन के लिए होगा, तो सब हम लोग किए तब लोग तो लगे ही, और ठीक ही है वो तो। सर कई राज्यपाल बदल गए सर, बिहार के भी राज्यपाल बदल गए, नए राज्यपाल आ गए। हाँ बदल गए, तभी तो हमको परसों ही सूचना दी थी गृह मंत्री जी ने, बताया था तुमने, क्या ठीक है भाई कि नहीं कुछ बताइएगा। तो जा रहे हैं, तब फिर इनसे बात हुई थी जा रहे हैं, तो बेचारे का 3.5 साल ही हुआ था तो जा रहे हैं। तब बिहार में तो अब आजकल उनको बहुत जमाने से नहीं लग रहा है, 5 साल और 25 साल हो गया सर, 25 साल हो गया उसके पहले 5 साल रहते थे, उसके बाद से कहां 5 साल रहा, कोई आवे कोई हर्जा नहीं। मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद को 2 बिजली परियोजना दी है, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज दी है, मेडिकल कॉलेज कब मिलेगा आपसे तोहफा, ये कब मिलेगा? अरे भाई हम लोग तो चाहते ही हैं, इसके लिए भी कोशिश करने वाले हैं, चिंता मत करिए सारे करने वाले। सर मैट्रिक की परीक्षा भी आपने बहुत दिया सर, इस बार सर बच्चियां लड़कों से ज्यादा एग्जाम दे रहे हैं सर, बड़ा अच्छा है, तो लड़की खुशी की बात है ना, लड़का लड़की सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो लड़की भी आगे बढ़ रही है तो कितना अच्छा हो रहा है। बैनर कुशवाहा का फोटो गायब है सर, इनका फोटो गायब है सर, सर बैनर सुपेंद्र कुशवाहा का फोटो गायब है, उपेंद्र कुशवाहा का फोटो गायब की बात पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिले में चल रहे विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कहा है, समाधान यात्रा पर आपने सुना है, साथ ही साथ उन्होंने बताया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें इस बात की जानकारी दी है, फोन पर बात हुई और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब बिहार के नए महामहिम राज्यपाल होंगे, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, उन तमाम तस्वीरों से आपको अवगत कराएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक कैसे कहते तो काफ़ी बेहतरीन शब्द कहे हैं महामहिम फागू चौहान के लिए, क्योंकि उनका 3.5 साल ये भी हुआ था, अभी और बिहार में रहना चाहिए था, लेकिन खैर केंद्र सरकार का फैसला है, स्वागत योग्य है। नीतीश कुमार ने क्या कहा आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, धन्यवाद। और हम लोगों का भी रखा गया है तो हमारे कुछ इंजीनियर्स वहाँ पर परमानेंटली रहते, क्या किया जाए, अब वो अगर मान लेते तो ये सब पूरा का पूरा जो समझ लीजिए तो। सर कई राज्यपाल बदल गए सर, बिहार के भी राज्यपाल बदल गए, नए राज्यपाल आ गए। हाँ बदल गए, तभी तो हमको परसों ही सूचना दी थी गृह मंत्री जी ने, तुमने कहा ठीक है भाई कि नहीं कुछ बताइएगा, नहीं तो जा रहे हैं, तब फिर इनसे बात हुई थी जा रहे हैं, 3.5 साल ही हुआ था